हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। तो जो आज का हमारा डिस्कस रहने वाला है, आज हम बात करेंगे ये मैंने कुछ BTC के 2020 में जो क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर में, आज मैं उनकी बात करूंगा। ठीक है, तो आज मैं बात करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा, जैसे मैंने कम से कम 13 से 14 लेक्चर मैं करा चुका हूँ। अब आज मुझे क्या करना है कि इन 13 से 14 लेक्चर में मैंने क्या सीखा, आज मैं उसकी बात करूंगा। और इन क्वेश्चन को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है हम उसको भी देखते हैं। मैं पूरा ये पेपर है, तो जो ये वाले क्वेश्चन मैंने लिखे हैं 1 2 3 4 क्वेश्चन अभी लिखे हैं, अभी मैं और भी क्वेश्चन लूंगा। ये सब लघु क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, ये सब कौन से क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब लघु उत्तरीय क्वेश्चन है और इन्हें हमें देखना है कि किस तरीके से इनको हम सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया है कि जो ये नंबर है, जैसे एक्स की पावर 4y माइनस एक्स वाई 4, इसका हमें क्या करना है, इसका हमें गुणनखंड निकालना है। अब मैं क्या करूंगा, इसका गुणनखंड किस तरीके से करूंगा, गुणनखंड में मुझे क्या करना है, देखो मुझे ये देखना होता है कि यहाँ और यहाँ ऐसा कौन सा नंबर है जो कि कॉमन है, मुझे ये देखना है। कॉमन का मीनिंग क्या है कि यहाँ मेरे पास में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ और यहाँ में देखूंगा तो देखो मेरे पास में क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे ये एक तो एक्स यहाँ भी है और एक एक्स है, तो हमेशा जो जिसकी पावर कम होती है वो कॉमन आता है। तो एक मेरे पास में एक्स कॉमन आया और एक मेरे पास में यहाँ से वाई कॉमन आया, तो यहाँ मेरे पास में क्या बचा, एक्स क्यू, यहाँ मेरे पास में क्या बचा, वाई क्यू। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि जब मैं इससे थोड़ा आगे चलूंगा, थोड़ा आगे का मीनिंग है कि जो ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक्स क्यू माइनस का वाई क्यू, तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू मेरे पास में क्या बन गया, ये एक मेरे पास में फॉर्मूला होता है, इसको मैं बोलता हूँ सर्वसमता। तो इसका मुझे क्या है कि फॉर्मूला आना चाहिए, अगर मुझे फॉर्मूला आता है तो डायरेक्ट मैं क्या करूंगा, इसका यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा और मेरे पास में क्या है कि आंसर आ जाएगा। तो मैंने क्या किया कि एक्स वाई तो मेरा ऐसे ही रहा, जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का एक्स वाई, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो मेरे पास में क्या आ गया, ये मेरे पास में आंसर आ गया। तो इतना छोटा सा क्वेश्चन आपको ये 2 नंबर में देखने को मिलेगा, इसे बोलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो ये पहला क्वेश्चन ये था। एक क्वेश्चन फिर ये पूछा गया है कि 671 781 1441 का मासा निकालो किससे, भाग विधि से। तो जब भी हम कभी मासा निकालते हैं तो मासा निकालने के लिए मैंने एक चीज आपको बताई थी कि इनमें से कोई भी 2 नंबर आप ले लो, कोई भी 2 नंबर। जैसे मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट और सेकंड को ले लिया, किसी का मन होगा सर मैं फर्स्ट और थर्ड को लूंगा, डिपेंड ऑन यू, आप मैं फर्स्ट और सेकंड लेता हूँ, आप सेकंड या थर्ड ले लो, फर्स्ट या थर्ड ले लो। भाग विधि का मीनिंग है कि आपको डिवाइड करना है। तो जब मैं, जैसे मैंने इन 2 नंबर को लिया और मैंने इसका डिवाइड किया, तो जैसे ये दूसरा क्वेश्चन है, तो मैंने 671 का डिवाइड किसमें किया, 781 में। जब मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास में 1 टाइम गया, तो यहाँ कितना आएगा, 671 आएगा, 011 ये बच्चा मेरे पास में। फिर मैंने इसका डिवाइड किसमें किया, 671 में किया, तो जब मैं इसका डिवाइड करूंगा इसमें तो 6 टाइम चला जाएगा, 0 6 बन जा 6 6 बन जा 6, यहाँ कितना बचा, 1 1। इसका डिवाइड मैंने किसमें किया, 110 में किया, 11 10 जा क्या होता है, 110। तो ओवरऑल मैंने डिवाइड कर लिया। अब ये डिवाइड मैं कैसे करता हूँ इसे दोबारा से समझो, जैसे यहाँ मेरे पास में आया 110, तो जो ये 110 आया ना, इसका डिवाइड जब मैं नेक्स्ट टाइम दूंगा तो इसमें दूंगा, तो मेरे पास में क्या आया, ये वाला मैंने नंबर यहाँ लिखा 671, ये मेरे पास में 1 है। ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना है। तो मेरे पास में 67 बनाया, तो मैंने 110 का डिवाइड 671 में किया, तो मेरे पास में क्या आया, 660 आया, तो यहाँ भी बनाया, यहाँ भी बनाया और 11 आ गया। 11 का डिवाइड फिर मैंने किस में किया, 110 में, तो मेरा क्या आ गया, 10 10 गया। और जब तक डिवाइड देते हैं कि जब तक मेरे पास में 0 ना आ जाए। अब जब ये वाली चीज मेरे पास में आ गई 11, तो जो लास्ट वाला नंबर होता है इस 11 का डिवाइड मैं किसमें कर दूंगा, जो मेरे पास में बचा हुआ नंबर है। जैसे ही मैं बचे हुए नंबर में करूंगा तो देखो बचे हुए नंबर में डिवाइड करता हूँ 11 का, तो मैंने 11 का डिवाइड किया 1441। ठीक है भाई, देखना थोड़ा मैनेज करना, 11 बन जाए 11, यहाँ के तो क्या बचा 3 4, 11 3 जा 13 1 1, 11 बन जा 11। तो ओवरऑल क्या हुआ कि यहाँ भी मेरा कंप्लीट डिवीजन चला गया। और जब डिवीजन कंप्लीट चला जाता है, जैसे देखो ये मेरा कंप्लीट डिवीजन चला गया, तो ओवरऑल क्या हुआ कि यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11 है, तो मैं क्या लिखूंगा कि 671 781 1441 का SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और अगर मैं हिंदी में बोलूंगा तो हिंदी में मेरे पास में क्या हो जाता है, महत्तम समापवर्तक मासापा। तो इनका मासापा कितने आने वाला है, इनका मासा हो जाएगा 11। ठीक है भाई, तो एक तो आपको ये वाली बात समझनी है, इससे मैं थोड़ा सा आगे और चलूंगा। तो जैसे मेरे पास में ये भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, इसको यहाँ से हटाओ, और मैंने ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व कर दिया।
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मध्य का आपको निकालनी है, इस जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसकी क्या फाइंड आउट करनी है, आपको मध्य का फाइंड आउट करनी है। तो देखो मध्य का कैसे फाइंड आउट करते हैं, मध्य का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है कि अगर मैं मध्य का की बात कभी भी करता हूं तो इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है कि जो भी मुझे ये डेटा दिया हुआ है इस डेटा को या तो मैं आधी क्रम में लिखूंगा और या मैं इस डेटा को अवरोही क्रम में लिखूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि इस डेटा को आरोही क्रम में लिख लिया। तो अगर मैं इसको आरोही क्रम में जैसे मैंने लिखा तो आरोही क्रम में क्या चीज आ जाएगी, देखो भाई कितने छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर, तो आरोही क्रम में सबसे पहले क्या आ जाएगा 4, फिर आएगा 5, फिर आ जाएगा 7, फिर 10, 11, 12 और 15 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, और एक बार इन्हें काउंट भी कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये दोनों जगह क्या है मेरा 8, 8 आया। ठीक, तो मैं सही हूँ, ऐसा नहीं है कोई नंबर मेरे पास में रह गया हूँ। अब जब इसको मैंने आरोही क्रम में लिखा तो मैंने क्या बताया था कि अगर n इक्वल टू 8 आया, 8 का मीनिंग क्या है, ये मेरा सम है, और जब सम होता है तो मध्य का क्या फॉर्मूला होता है, m बराबर 1/2 n अपॉन 2 वां पद प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 वां पद, ये फॉर्मूला होता है भाई साहब। 1/2 ऐसे ही रहेगा, n की जगह अगर 8 रखोगे यहां पे तो ये आ जाएगा 8/2 वां पद, ठीक है, प्लस यहां आपने रखा 8/2 + 1 वां पद। अब ये क्या हो जाएगा 4 वां पद प्लस ये क्या हो जाएगा 5 वां पद, अपॉन में 2 चल रहा है 1/2, ठीक है भाई। अब चौथा पद और पांचवा पद है कौन सा, देखो ध्यान से, 1, 2, 3, 4 और पांचवा पद मेरा कौन सा है 11 है। तो मैं क्या करूंगा जब इन दोनों को ऐड करूंगा मेरे पास में जैसे 10 और 11 आ जाएगा। ठीक, अब 10 और 11 आया, मुझे 4 और 5 पद चाहिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 10 + 11, तो मैं यहां रखूंगा 10 + 11/2 कर दूंगा। ठीक है, तो ये चौथा पद है मेरा 10 और पांचवा पद है 11, तो 10 + 11/2 करूंगा तो मेरे पास में क्या है कि आंसर आ जाएगा इस तरीके से 10 + 11/2 मेरे पास में क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 21/2 और 2 से ये कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा 10.5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसकी क्या हो जाएगी मेरे पास में मीडियन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं जो मुझे देखने को मिलते हैं। अब एक क्वेश्चन और है जो ये वाला क्वेश्चन है, ये सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको आप समझने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन में क्या बोला, देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे, इस क्वेश्चन में बोला है कि आपके पास में दो समरूप त्रिभुज है, और मैंने बताया था समरूप त्रिभुज का क्या मीनिंग है कि ऐसे त्रिभुज जिनका आकार कैसा हो, समान हो, उन्हें मैं क्या बोलता हूँ, समरूप त्रिभुज बोलता हूँ। ठीक है, अगर त्रिभुज मेरे पास में समरूप है तो एक चीज आपको समझनी है कि उनके परिमाप अगर इतने दिए हुए हैं तो एरिया का अनुपात क्या होगा। तो एक ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को आपको लर्न करना है कि अगर समरूप त्रिभुज के लिए, ये नोट करके आप डाउनलोड नोट करके आप लिख लो, नोट कर लो इस चीज को कि अगर समरूप त्रिभुज हैं तो उनका जो एरिया होता है ना, मतलब एरिया ये तो हो गया पहले ट्रायंगल का और ये तुम्हारे पास में एरिया हो गया दूसरे ट्रायंगल का, तो ये क्या होता है P1/P2 के वर्ग के इक्वल होता है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि इन इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि इनके परिमाप 40 और 50 सेंटीमीटर है, तो जो एरिया है ना वो क्या हो जाएगा, यहां तो रखूंगा मैं 40 और यहां रखूंगा मैं 50 और मैंने इसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, इससे ये कट गया, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में 16 और ये हो जाएगा तुम्हारे पास में 25। तो कभी भी अगर समरूप त्रिभुज का क्वेश्चन आएगा तो मेरे क्या समझ में आई, मेरी एक बात समझ में आई कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन कभी भी आता है कि 40 और 50 सेंटीमीटर अगर परिमाप है, पेरीमीटर है, तो मैं एरिया निकालूंगा, तो एरिया का मीनिंग क्या हो जाएगा, दोनों के स्क्वायर के इक्वल होगा, जो एरिया का रेशियो है वो दोनों के स्क्वायर के इक्वल होने वाला है, उसी में क्या बोलता हूँ, पेरीमीटर बोलता हूँ। ठीक है भाई, अभी मैं देखो ये मैंने 4 क्वेश्चन बताए हैं, अभी कुछ क्वेश्चन मैं और लिखता हूँ फिर उनको बताऊंगा, तो पूरा पेपर आज मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब देखो भाई ये मैंने नेक्स्ट 3 क्वेश्चन और लिए, ये भी लघु मेरे पास में आंसर है, क्वेश्चन है सॉरी। तो जो पहला क्वेश्चन है वो मुझसे क्या बोला है, पहला क्वेश्चन आप सभी लोग देखो, ये पहला क्वेश्चन है याद रखना, ठीक है, ये आपके पास में एक क्वेश्चन नंबर 6 है और ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, ये तो मैं बाद में डिस्कस करूंगा।
इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा 28 सेंटीमीटर है। ये मैंने एक वर्गाकार मैदान बनाया है ये वाला, ठीक है, ये वर्गाकार मैदान है और इसकी एक भुजा कितनी है 28 सेंटीमीटर लंबी है। और उन्होंने बोला है कि यदि मैदान के अंदर 2 मीटर चलने का रास्ता है तो शेष मैदान का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। तुम्हें पता है कि ये मेरे पास में स्क्वायर एरिया है, ठीक है भाई, और स्क्वायर एरिया में क्या है कि इसको और थोड़ा बड़ा बनाते हैं, और थोड़ा बड़ा बनाते हैं। देखो ये स्क्वायर एरिया है तुम्हारे पास में ये वाला, इसकी एक भुजा 28 सेंटीमीटर है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जितनी भी भुजा होंगी 28 मीटर या सेंटीमीटर कुछ भी मान लो, इसका मीनिंग ये हुआ कि जब एक भुजा वर्ग की 28 मीटर है तो सब भुजा क्या होंगी 28 मीटर होंगी, क्योंकि ऑल द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर इज सेम, जितनी भी साइड होती हैं स्क्वायर की वो सब सेम होती हैं, तो ये भी 28 मीटर, ये भी 28, ये सब 28 हो जाएंगे, ठीक है, ये भी 28, ये भी 28 और ये भी मेरे पास में क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब इसके अंदर 2 मीटर चलने का रास्ता है, मतलब रास्ते का मीनिंग हुआ कि यहां से लेकर यहां तक अगर 2 मीटर की डिस्टेंस है तो इस तरीके से इसके चारों ओर क्या है 2 मीटर का रास्ता है इसके अंदर, तो देखो ये इसका क्या हो गया रास्ता हो गया। अब हमें पता है कि यहां भी 2 मीटर है, इधर भी 2 मीटर है और इधर भी 2 मीटर है, क्योंकि इसके अंदर एक रास्ता है 2 मीटर का। अब आपको पता है कि जब उन्होंने बोला है कि शेष मैदान का क्षेत्रफल बताओ, तो शेष मैदान कौन सा बचा ये वाला, इसी का तो क्षेत्रफल बताना है, तो जब इसका क्षेत्रफल बताना है तो हमें इसकी क्या चाहिए साइड चाहिए, जो मेरे पास में छोटा वाला स्क्वायर है उसकी साइड चाहिए, तो उसकी साइड में कैसे निकालूंगा, अगर ये 28 है ये वाला पूरा, इसमें से 2 सेंटीमीटर ये रहा, 2 सेंटीमीटर ये रहा, तो अगर ये निकल गया तो मेरा ये वाला कितना बचा, दिस इज द 24 सेंटीमीटर। जब इसकी एक साइड 24 सेंटीमीटर है तो ये सब साइड इसकी क्या हो जाएंगे 24 सेंटीमीटर हो जाएंगे, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा शेष भाग का क्षेत्रफल, मैं ऐसे लिखूंगा शेष भाग का क्षेत्रफल मैं कैसे निकालूंगा 24 का स्क्वायर हो जाएगा, और 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, ठीक है, 24 इंटू 24 करूंगा तो मेरे पास में 576 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। अब हमने बोला शेष भाग का क्षेत्रफल, मैंने 24 का स्क्वायर क्यों किया, मुझे पता है कि जब भी कभी मैं वर्ग का क्षेत्रफल निकालता हूं, क्योंकि अंदर वाला पार्ट भी क्या है वर्ग है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर होता है, क्या होता है भुजा का स्क्वायर, तो मुझे भुजा चाहिए थी, और भुजा मैंने कैसे निकाली कि मैं यहां लिख भी सकता हूं कि अगर ये मेरे पास में 28 था, मैंने उसमें से 2 और 2 सबट्रैक्ट कर दिया तो मेरे पास में 24 क्या आ जाएगी भुजा आ जाएगी, ठीक है, जब ये 24 मेरे पास में भुजा आ जाएगी उसका मैंने अगर स्क्वायर कर दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा उस वर्ग का मुझे क्षेत्रफल मिल जाएगा, ये मेरे पास में क्षेत्रफल आ गया 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। ये क्वेश्चन जब मैंने क्लास ली थी जब भी कराया था आयत के क्षेत्रफल में, और फिर मैं आज भी करा रहा हूं, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, इसका क्या मीनिंग हुआ कि एक आयत की जो लंबाई है ना उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो मैं यहां क्या अज्यूम करूंगा, मैं अज्यूम करूंगा कि माना चौड़ाई मेरे पास में कितनी आ जाएगी आयत की, मैं बोलूंगा माना चौड़ाई मेरे पास में एक्स है, तो जो आयत है उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, आयत की लंबाई आपके पास में हो जाएगी भाई साहब एक्स प्लस 5। उन्होंने बोला है कि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर अधिक है, ठीक है, तो मैंने इसको अधिक कर दिया। अब उन्होंने बोला है कि आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप क्या होता है भैया, जो आयत का परिमाप है वो होता है तुम्हारे पास में ट्वाइस ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, तो जो आयत का परिमाप है वो दिया कितना है तुम्हें 26 सेंटीमीटर, यहां तुमने 26 रखा, ट्वाइस है यहां एल कितना है एक्स प्लस 5, डी कितना है एक्स, 2 से इसको कट किया 13 10 इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस का 5, यहां से 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा 13 माइनस 5 2x इक्वल टू 8 और x इक्वल टू आ जाएगा 8 अपॉन 2, 2 से ये कैंसिल 4 10, तो इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी आने वाली है, इसकी चौड़ाई आ जाएगी 4, और अगर लंबाई पूछे तो क्या हो जाएगी 4 प्लस 5 9 आंसर आ गया, क्योंकि x प्लस 5 है, x की वैल्यू मेरे पास में क्या आई है 4 आई है, और अगर मैं इस 4 को मैंने यहाँ रख दिया x प्लस 5 की जगह पे, तो मेरे पास में क्या आंसर आ जाएगा 9 मुझे आंसर देखने को मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, लंबाई चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक थी तो मैंने चौड़ाई को x अज्यूम किया, लंबाई को 5 सेंटीमीटर बढ़ा दिया क्योंकि ज्यादा थी, तो ये x प्लस 5 हो गया, और परिणाम मेरे पास में ट्वाइस ब्रैकेट में l प्लस b होता है, मैंने फॉर्मूला लगाया
इनकी वैल्यू रखी एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड एक्स एक्स विल बी द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल एंड वी आर पुटिंग द वैल्यू हियर देन वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है भाई, तो ये सब चीज़ें मेरे समझ में आ गई होंगी। अगर मैं इससे थोड़ा सा आगे और चलूंगा तो एक क्वेश्चन और मैंने लिख रखा है, 5 का वर्ग अंतराल करके लिखना है। जो ये आंकड़े गिवन है मेरे पास में, मुझे एक टेबल बनानी है और टेबल में जो वर्ग अंतराल रखना है वो 5 का रखना है और इस टेबल में इसको शो करना है। तो मैं इसे कैसे करूंगा देखो भाई, ये भी मैंने आपको सब बता दिया कि इसको हम कैसे करेंगे और बारंबारता की हमें क्या बनानी है, टेबल बनानी है। तो इसको मैंने आपको कैसे बताया था, दो चीज ध्यान में रखनी है, एक इधर का रीजन करो, यहां पर लगा लो वर्ग अंतराल, ठीक है, वर्ग अंतराल, यहां आप लगा लो बारंबारता, मतलब कोई भी नंबर कितने बार आया है, और यहां आप कर दो टैली चिन्ह, टैली साइन, ठीक है, हिंदी में लिख देना टैली चिन्ह। अब मैंने क्या किया कि अगर मुझे 5 का वर्ग अंतराल करना है तो मुझे पता है कि जैसे इसमें छोटा नंबर कौन सा है, 248, ये 3 नंबर छोटे हैं, ठीक है, और भी इसमें छोटे नंबर है, तो लेकिन मैंने क्या किया, मुझे 5 का वर्ग अंतराल करना है तो मैंने बोला 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50। तुम्हारे दिमाग में आया होगा कि सर 50 पे कैसे रुक गए, मैं 50 पे इस वजह से रुका क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम नंबर है वो कितना है मेरा, 48 है, तो मुझे 48 के करीब पहुंचना है, तो 48 किसके बीच में आएगा, 45 और 50 के बीच में आएगा। अगर मैं 50 से आगे जाता तो कोई भी नंबर है ही नहीं, तो मुझे फिर उसको ड्रॉ करने की नीड नहीं है। बारंबारता का क्या मीनिंग है, इसको इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलता हूँ। फ्रीक्वेंसी का मीनिंग होता है कि कोई भी नंबर कितनी बार आया या कितने नंबर ऐसे हैं जो 0 से 5 के बीच में आते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा कि ऐसे हाउ मेनी नंबर्स आर देयर दैट मे बी कम बिटवीन 0 टू 5, तो देखो इस चीज को मैं बताता हूँ कितने नंबर आते हैं। देखो 2 और 4, ओनली ये 2 नंबर ऐसे हैं कि जो 0 और 5 के बीच में आते हैं, तो इसकी बारंबारता क्या हो जाएगी, बारंबारता इसकी 2 हो जाएगी, टैली साइन इसका क्या हो जाएगा, 2 डंडे कर दूंगा मैं, ये बता चुका हूँ क्लास के अंदर। 5 से 10 के बीच में कौन आता है, ओनली 1 आता है, 8, 1 यहाँ भी 1। 10 से 15 के बीच में कौन आता है, 11 और 14 आते हैं, तो 2 यहाँ भी 2 डंडे। 15 से 20 के बीच में कौन आता है, 16 और 20, 2 आते हैं, यहाँ भी 2 डंडे, ठीक है। 20 से 25 के बीच में कोई आता है, कोई नहीं आता, खाली। 25 से 30 के बीच में अगर मैं बात करूंगा तो 25 आता है और 28 आता है और 30 आता है, ठीक है, 3 आते हैं 25 से 3 के बीच में, तो यहाँ मैं 3 डंडे कर दूंगा। 35 से 40 के बीच में 1 आता है, 30 से 35 में कोई नहीं है, खाली छोड़ो से, 35 से 40 में क्या है, 1 आता है। 40 से 45 में कोई नहीं है, 45 से 50 में 1 है 48 वाला, तो मैंने क्या किया, यहाँ खाली छोड़ूंगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 डंडा आ जाएगा, मैं इनको ऐड कर लूंगा, 2 और 2 4 और 1 कितना होगा, 5 और 2 7 और 3 10 और 2 12, तो इसकी जो बारंबारता है वो क्या हो जाएगी तुम्हारे पास में, 12 हो जाएगी। तो इस तरीके से मुझे क्या करना है कि एक टैली का साइन लगाकर, एक साइन लगा के मुझे क्या करना है इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। बस मैंने 5 5 का वर्ग अंतराल लिखा, क्वेश्चन मेरे पास में ये गिवन है, इसको मैंने बस यहाँ लिख के दिखा दिया, 0 से 5, 5 से 10, बारंबारता का मीनिंग है कोई भी नंबर 0 से 5 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है, 2 नंबर आ रहे थे मैंने 2 लिख दिए, 3 आते मैं 3 लिख देता, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे और चलता हूँ क्वेश्चन को लेके। अब देखिए भाई, ये कुछ मैंने जितने लघु क्वेश्चन थे वो तो मैंने सब करा दिए, 2-2 मार्क्स वाले, अभी मैंने अभी 4 क्वेश्चन लिखे हैं, इन्हें बोलता हूँ शॉर्ट आंसर, जो अति लघु होते हैं। इनमें भी मुझे क्या करना है, जो सबसे पहला वाला क्वेश्चन है वो मुझे पूछा है कि उसका गुणनखंड करो, तो गुणनखंड मैं कैसे करता हूँ, जैसे मेरे पास में ये दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 7, तो दोबारा से देखो, वैसे मैं ये बता चुका हूँ गुणनखंड कभी भी करते हैं, तो ये जैसे मेरे पास में यहाँ 7 लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है, इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, 7x आएगा यहाँ पे भाई, उल्टा लिख दिया मैंने, दिस इज द 7x और दिस इज द 6। तो जब भी कभी मैं गुणनखंड करता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि जैसे अगर यहां मेरा प्लस का साइन है, यहां पे ये अगर प्लस का साइन है तो ये प्लस करके आना चाहिए, ये जो 7 है ये प्लस करके आना चाहिए, और जब भी मैं कभी अगर मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास में क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो ओवरऑल क्या है कि जो ये लास्ट वाला डिजिट है ये वाला 6, ये तो मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए, ठीक है, और जब हम ऐड करें, ऐड मतलब जब हम जोड़ें इनको,
तो ऐड करने पर कितना आना चाहिए, ऐड करने पर इससे जो पहले वाला है सेवन, सेवन आना चाहिए, मतलब कुछ भी हो सकता है, सेवन की जगह जैसे फोर फाइव कुछ भी हो सकता है, सेवन आना चाहिए। ठीक है भाई, तो देखो इस चीज को ध्यान से, अगर यह माइनस का साइन होता तो फिर यह घटा के आना चाहिए। तो मैंने क्या किया कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, सिक्स बन जा सिक्स, और छह एकन छह मैंने किया इस तरीके से, छह इंटू एक किया तो छह एकन छह क्या आया छह, और छह प्लस एक को मैंने ऐड किया तो क्या आया मेरे पास में सेवन आया। तो ये मैं कंडीशन बता रहा हूँ, तो ये वाला सिक्स है, जब मैंने इसका मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने में मेरा सिक्स आना चाहिए, और जब मैं इसका जिसके साथ में मल्टीप्लाई हुआ सिक्स और वन के साथ में, जब मैं इनको ऐड करूंगा तो ऐड करने पर मेरे पास में सेवन आना चाहिए, तो ये सेवन आ गया। जब मैं इसको आगे करूंगा तो आगे मैं कैसे करूंगा, देखो इस तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस का सिक्स प्लस का वन, यहाँ ब्रैकेट लग जाएगा, प्लस का सिक्स, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का सिक्स एक्स माइनस का एक्स प्लस का सिक्स, एक्स यहाँ से कॉमन आ गया तो दिस इज द एक्स माइनस सिक्स, माइनस वन कॉमन आ गया तो दिस इज द एक्स माइनस सिक्स। ठीक है, ये हुआ, मैंने क्या किया यहाँ से एक ब्रैकेट में ये एक्स माइनस सिक्स यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ये एक्स माइनस सिक्स आ गया, और एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वन आ गया। देखो मैंने क्या किया, सिक्स प्लस वन लिखा, फिर मैंने एक्स का इसमें मल्टीप्लाई किया, सिक्स के साथ में दिया सिक्स एक्स, वन के साथ में दिया एक्स, अब यहाँ माइनस था तो अंदर के साइन भी चेंज हो गए, इन दोनों में से मैंने किसको कॉमन लिया, एक्स को, तो एक्स कॉमन आया तो यहाँ कितना बचेगा एक्स, यहाँ बचेगा सिक्स, यहाँ से कितना कॉमन आया माइनस वन, तो यहाँ कितना बचा एक्स माइनस सिक्स, तो ये भी एक्स माइनस सिक्स और ये भी मेरे पास में क्या है एक्स माइनस सिक्स। अब जब ये दोनों सेम होते हैं तो इसको मैं एक ब्रैकेट में लिखूंगा और जो बचा हुआ है उसको मैं एक ब्रैकेट में लिखूंगा, तो ये इसके क्या हुए, ये फैक्टर हो गए। एक नंबर का क्वेश्चन है, इतना छोटा सा क्वेश्चन है, आप आसानी से इसको देख सकते हो, कर भी सकते हैं। थोड़ा सा आगे मैं और चलता हूँ, जो दूसरा वाला क्वेश्चन है वो क्या बोला है मैं उसको बताता हूँ। दूसरे वाले क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, इन्होंने इस तरीके से बोला है कि ए प्लस वन अपॉन ए इक्वल टू अगर थ्री है तो ए स्क्वेयर प्लस वन अपॉन ए स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, कैसे करेंगे। मैंने क्या बोला कि अगर ये मेरे पास में गिवन है ए प्लस वन अपॉन ए इक्वल टू थ्री, तो हमें इस चीज पर फोकस करना होता है कि यहाँ कितनी पावर है यहाँ पे और यहाँ पे। अगर यहाँ पे दो पावर है तो मैं दोनों साइड का क्या कर दूंगा, स्क्वेयर कर दूंगा। अगर यहाँ तीन पावर होती तो दोनों साइड का फिर मैं घन कर देता, क्यूब कर देता, लेकिन यहाँ दो पावर है तो मैं दोनों साइड का क्या कर दूंगा, स्क्वेयर कर दूंगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ये वाली बात, दोनों साइड का, दोनों पक्षों का, साइड को हिंदी बोलता हूँ, दोनों पक्षों का वर्क करने पर, जब मैं वर्क करूंगा तो मेरे पास में दिस इज द ए प्लस वन अपॉन ए का स्क्वेयर हुआ और ये मेरे पास में थ्री का स्क्वेयर हुआ, तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ए स्क्वेयर प्लस वन अपॉन ए स्क्वेयर प्लस का टू इंटू ए इंटू बी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये कहाँ से आया, ये मेरे पास में ए प्लस बी का होल स्क्वेयर होता है, ये वाला ए प्लस बी का होल स्क्वेयर होता है मेरे पास में, ये भी सर्वसम का है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का टू ए बी, बस मैंने इसको यहाँ पे ओपन किया है, वहां ए और बी थे, यहाँ ए और वन अपॉन ए है, इक्वल टू इसका स्क्वायर करूंगा नाइन, इस ए से ए कैंसिल, तो ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू नाइन, कि यहाँ टू बचेगा उसको इधर ले जाऊंगा, इधर आ जाएगा नाइन माइनस टू सेवन, तो इसकी जो वैल्यू आने वाली है वो क्या आ जाएगी मेरे पास में सेवन आ जाएगी। तो देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, कितना छोटा क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है, कि बस मुझे स्क्वेयर करना है दोनों साइड का, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, टू यहाँ रहेगा, इस टू को इधर ले जाऊंगा, माइनस का हो जाएगा नाइन माइनस टू, मेरे पास में क्या आ जाएगा सेवन आ जाएगा। ठीक है भाई, अब अगर मैं इससे थोड़ा सा आगे और चलता हूँ तो उसको देखते हैं कि और क्वेश्चन में क्या बोला है। देखो भाई इन्होंने बोला है कि एक पुस्तक का मूल्य बताओ, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरे पास में लिखा है ना पांच पुस्तक का मूल्य सात पुस्तकों के मूल्य से 14 कम है, तो एक पुस्तक का मूल्य बताओ, तो मैंने मान लिया कि एक पुस्तक का मूल्य मेरे पास में एक्स है। ठीक है भाई, एक पुस्तक का जो मूल्य है मेरे पास में वो क्या हो जाएगा, एक पुस्तक का मूल्य एक्स हुआ तो पांच पुस्तक का कितना हो जाएगा फाइव एक्स हो जाएगा, क्योंकि पांच का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मैंने बोला कि एक मार्कर 2 रुपये का आता है, पांच कितने का आएंगे, तुम कहोगे सर 5 × 2 = 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने किया है कि अगर एक पुस्तक का मूल्य 5 रुपीज है तो पांच पुस्तक का मूल्य क्या होगा, तो पांच का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो 5x हुआ, और अगर मैं सात पुस्तक का मूल्य निकालूंगा तो सात पुस्तक का क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा। अगर मैं प्रश्न के अनुसार चलूंगा तो प्रश्न मुझसे क्या बोल रहा है
पांच पुस्तकों का मूल्य सात पुस्तकों के मूल्य से 14 कम है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 7x माइनस का 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा 14। या तो इस बात की बात को ऐसे लिख लो, और या आप ऐसे लिख सकते हैं कि इस 14 को इधर ले आओ, उधर 5x कर लो, कि जो पांच पुस्तक हैं वो इस तरीके से बोलना चाह रहा है कि जो पांच पुस्तकों का मूल्य है वो सात पुस्तकों के मूल्य से 14 कम है, जो सात पुस्तकों का मूल्य उससे क्या है 14 कम है। तो या तो आप इस तरीके से लिखो या इस तरीके से लिखो, दोनों क्या है सेम बात होती है। यहाँ मेरे पास में 2x बचेगा, 2x इक्वल टू 14, x इक्वल टू आ जाएगा 14/2, 2 से कितने टाइम कैंसिल हुआ 7 टाइम, तो एक पुस्तक का मूल्य मेरे पास में क्या आ जाएगा 7 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो थोड़ा आगे मैं और चलता हूँ। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे बोला है, ये सब क्वेश्चन आपके हो गए, इनको हटा देते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला है कि एक पुस्तक का मूल्य आपके पास में दिया हुआ है 2x² + 5x2, ये तुम्हारे पास में एक पुस्तक का मूल्य है। ठीक है, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, एक पुस्तक की जो कीमत है वो तुम्हारे पास में दिया है 2x² + 5x + 2, दिस इज द कॉस्ट ऑफ द वन बुक, ये एक पुस्तक की मूल्य। इन्होंने बोला है 2x + 5 पुस्तक का मूल्य क्या होगा, तो यहां मैं लिखूंगा 2x + 5 पुस्तक का मूल्य। तो मैंने क्या किया, 2x² + 5x + 2, और यहां मेरे ब्रैकेट में आ गया 2x + 5। ठीक है साहब, अब मुझे क्या करना है कि जब एक पुस्तक का मूल्य इतना है, इतने का निकालना है, तो इसका मैंने क्या किया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे अगर मैं बोलता कि दो पुस्तक का मूल्य, एक पुस्तक का मूल्य कितना है 5 रुपये, दो का कितना हो जाएगा 2 × 5 = 10 आंसर आ जाता, वही मैंने मल्टीप्लाई यहाँ पे किया है। ठीक है, अब जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इस 2x² को लूंगा, सबका मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2x + 5 + मैंने 5x लिया, इसका मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2x + 5, और प्लस 2 लिया और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 2x + 5, सबका मल्टीप्लाई में क्या करूंगा सबसे कर दूंगा। अब जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो इसका, तो 2 × 2 का क्या हुआ 4x का करेंगे x³ + 10x² + 10x², क्योंकि 5 × 2 = 10x, x² हो जाएगा +25x, 2 × 2 का क्या हो जाएगा 4x + 10, तो ये हो जाएगा मेरे पास में 4x³ + 10, और 10 क्या हुआ 20x², 24 × 9 क्या हो जाएगा 29x + 10, तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगा 2x + 5 पुस्तकों का मूल्य आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसके बाद में ये पूरा 2020 का जो शॉर्ट क्वेश्चन है और जो मेरे पास में जो लॉन्ग क्वेश्चन थे वो सब क्वेश्चन क्या है कि फिनिश हो चुके हैं। वो क्वेश्चन कौन सा बचा हुआ है उस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, वो क्वेश्चन है मेरे पास में, कभी कभी हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई भी दो परिमेय संख्या है, कोई भी दो नंबर है, उनके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, तो इसका आंसर होता है अनंत। इसका आंसर क्या होता है, अनंत होता है। तो आप एक इस वाली चीज को रख लो कि दो संख्याओं के बीच में, जैसे दो संख्या है ए और बी, ठीक है, और अगर इनके बीच की परिमेय संख्या आपको निकालनी है, बीच की परिमेय संख्या अगर आपको निकालनी है, तो आपके आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका a + b/2। जैसे मैंने बोला कि एक नंबर है 1/2 और एक नंबर है 2/3 के बीच की परिमेय संख्या बताओ, तो कितनी भी बहुत अनंत परिमेय संख्या होती है, मैं उनको निकालूंगा कैसे, मैं क्या करूंगा 1/2 + 2/3/2, इन दोनों को मैं जोड़ के इनका आधा कर दूंगा, तो एलसीएम लूंगा, यहां से कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 2 × 3 = 6, 3 × 2 = ये हो जाएगा 4/2, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/12। तो जैसे ये वाली संख्या आई, ठीक है, अब इसी का मैं क्या करूंगा कि ये यहां इनके बीच में आ जाएगा 1/2 / 7/12, और मेरे पास में आ जाएगा 2/3। अब मैं इन दोनों नंबर को ले लूंगा और इन दोनों नंबर को ले लूंगा, तो मुझे और भी परिमेय संख्या मिल जाएगी। इसी तरीके से मैं आगे भी चलता जाऊंगा, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि अगर जो सिलेबस में पूछा जाएगा तो एक या दो परिमेय संख्या के बारे में पूछा जाएगा,
उन्हें आप आसानी से निकाल के देख सकते हैं। और इसमें क्या है, देखो मैं पेपर में पढ़ के बताता हूँ। एक क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सी प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या आप सभी जानते हैं, जो संख्या 1 से स्टार्ट होती है जिन्हें मैं काउंट कर सकता हूँ वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ऑप्शन दिया हुआ है 2, 3.5, 0, √2, तो ये 2 होगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। √2 होगा नहीं, ठीक है। 0 पूर्ण संख्या के अंदर आता है, 3.5 डेसिमल संख्या के अंदर आ जाता है। एक क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, तो मैंने पहले ही बता दिया है कि परिमेय संख्या कौन सी नहीं होती है, ऐसी संख्या जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं हो उन्हें परिमेय संख्या नहीं बोलते। जैसे पाई है, पाई मेरा कॉन्स्टेंट है, वो मेरा परिमेय संख्या नहीं है। जैसे 20/7 है, ये परिमेय संख्या है, जो संख्या पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होती है परिमेय संख्या वो होती है, और बस मेरा क्यू क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा एक क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सी सर्वसमिका नहीं है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। एक क्वेश्चन और है, 1 मार्क्स में पूछा है कि 3 की पावर यहाँ पे दिया हुआ है x+2 और इक्वल टू दिया 81, और पूछा है कि इस x की वैल्यू बताओ। तो ये x+2 है, इसको मैं कर लूंगा 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 करूंगा क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। जब यहाँ और यहाँ बेस सेम होता है तो पावर की तुलना करता हूँ, तो x+2 बराबर क्या आ गया, 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 - 2, तो यहाँ से 2 आंसर आ गया। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, तो जो 2020 का पेपर था BTC के अंदर जो पूछा गया था इस वाले सेम में, सेकंड वाले में, वो मैंने सब चीज़ आपको बता दिया, पूरा पेपर आपको सॉल्व करवा दिया। आप इसको देखें किस तरीके का पेपर आता है, और आज के बाद ये तुम्हारा पूरा मैथ फिनिश हो गया। अब कोई भी क्लास मैथ में आने वाली नहीं है, अगर क्लास आएगी तो इट विल बी इन द अदर सब्जेक्ट। थैंक यू क्लास, धन्यवाद।